नमस्कार फ्रेंड्स, प्रियाज मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको टमाटो प्यूरी बनाना बता रही हूँ। बहुत ही आसान है। सर्दियों में देसी टमाटर जो आते हैं, मैं उनकी प्यूरी बना रही हूँ। देखिएगा, ये मैंने लाल लाल टमाटर, बिल्कुल फ्रेश टमाटर हैं, ये मैंने 1.5 किलो ले लिए हैं और मैं इनको बारीक कट करूँगी। अभी दूसरी वैरायटी के जो टमाटर आते हैं उनके अंदर गूदा तो बहुत होता है, लेकिन टेस्ट इस वाले टमाटर में ज़्यादा होता है क्योंकि इसका छिलका बहुत पतला होता है। इसलिए हम इसको ब्लांच नहीं करके इसको डायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम इन टमाटर को कट कर लेते हैं रफली। ये टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर प्यूरी में जाएगा 1 चम्मच शक्कर, नमक और ये व्हाइट विनेगर। ये तीनों चीजें हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। गैस पे हमने पैन रख दिया है। अब इसके अंदर हम सारे टमाटर डालते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम ये हमारी चीनी, नमक और ये व्हाइट विनेगर, ये तीनों चीजें डाल के अब हम इसको ढक के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक ये अच्छे से गल ना जाए जब तक हम इनको पकाएंगे। एक बारी हम इसको बीच में चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी कसौर बची है, 5-7 मिनट और इसको हम ढक के रखते हैं। ये टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो गए हैं। अब इनको ठंडा होने पर हम मिक्सी में मैश करेंगे और फिर स्ट्रेनर में छान लेंगे इसको। ये टमाटर हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में मैश करेंगे। मिक्सी में मैश करके हमने इसको छान लिया है और एक बार गैस पे फिर से रख दिया है। वैसे तो ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसमें एक बार एक उबाल और लगाएंगे हम और उसके बाद इसको हम एक कांच के कंटेनर में भर के रखेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही अच्छा टमाटो प्यूरी बना है, बहुत ही गाढ़ा बना है। बस आप जब भी टमाटो प्यूरी को रखें तो कांच के जार में ही रखें, क्योंकि उसके अंदर ये सेफ रहता है और कई दिन तक चलता है। प्लास्टिक में बिल्कुल ना रखें इसे। टमाटो प्यूरी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। देखिएगा कितनी गाढ़ी बनी है। ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। अब हम इसको एक जार में, आपको इसको भर के बताते हैं। इस तरीके के कांच के जार में आप इसे भर के रखिएगा फ्रिज में। ये आपकी कम से कम 8-10 दिन आराम से चलेगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने टमाटो प्यूरी कैसे बनाई। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के रखना चाहते हैं तो आप इसके टमाटो प्यूरी के आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसमें क्यूब जमा के रख सकते हैं और फ्रीज़र के अंदर जितने क्यूब आपको चाहिए होते हैं आप सब्जी में डाल लीजिए। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकती है। और अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये 8-10 दिन आपकी चल जाएगी प्यूरी बहुत आराम से। बहुत ही अच्छी बनी है, एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। प्रियाज मैजिक को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।